हेलो एवरीवन और आप सभी के स्वागत है मेरे चैनल स्पोर्ट्स टॉक पे। आज हम बात करने वाले हैं एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 T20 सीरीज के बारे में। सो एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 T20 सीरीज का शेड्यूल क्या है, कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कि इस सीरीज का हिस्सा होंगे, स्पेशली कौन से वो इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज को मिस न कर पाएं। सो एशिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 T20 सीरीज बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज होने वाला है। इस सीरीज में दो T20I मैचेस होंगे जो कि खेले जाएंगे 21st और 22nd मार्च को। इस सीरीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान के 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। एशिया 11 की टीम की बात करें तो यहाँ पर केएल राहुल, शिखर धवन, तमीम इकबाल, विराट कोहली, लिटन दास, ऋषभ पंत, मुशफिकुर रहीम, तिसरा परेरा, राशिद खान, मुस्तफिजुर रहमान, संदीप लामिचाने, लसिथ मलिंगा, मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव शामिल हैं। इन सभी प्लेयर्स में से विराट कोहली का पार्टिसिपेशन अभी भी कंफर्म नहीं है क्योंकि उससे पहले इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ODI सीरीज होने वाला है और उसके बाद IPL भी होगा। सो इसलिए विराट कोहली का पार्टिसिपेशन श्योर नहीं है, वो शायद पार्टिसिपेट करेंगे भी तो सिर्फ एक T20I मैच में ही करेंगे। और KL राहुल भी 22 मार्च को होने वाले T20I मैच में ही सिर्फ पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके अलावा इस टीम में दो विकेट कीपर बैट्समैन है, मुशफिकुर रहीम और ऋषभ पंत। देखना होगा कौन से विकेट कीपर बैट्समैन विकेट कीपिंग करेंगे। और इस टीम में चार क्वालिटी स्पिनर्स शामिल हैं, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, संदीप लामिचाने और कुलदीप यादव। सो देखना है ये सभी स्पिनर्स किस तरह से बॉलिंग करेंगे। इसके अलावा इस एशिया 11 की टीम में कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके पीछे मेनली दो रीजंस है। पहला रीजन है पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक लीग है पाकिस्तान सुपर लीग वो चल रहा है, सो इसलिए भी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आ पाए। और जो सेकेंड रीजन है वो है कि इंडियन प्लेयर्स क्योंकि खेल रहे हैं और इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का थोड़ा डिस्प्यूट हमेशा चलते रहता है, सो इसलिए अगर इंडियन प्लेयर्स को इस लीग में शामिल करना था तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस लीग से बाहर ही रखना पड़ता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और इसलिए भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स इस लीग का हिस्सा नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड 11 टीम की बात करें तो यहाँ पे एलेक्स हेल्स, क्रिस गेल, फैफ ड्यूप्लेसिस, निकोलस पूरन, ब्रेंडन टेलर, जॉनी बेस्टो, कायरन पोलार्ड, आदिल राशिद, शेल्डन कॉट्रियल, लुंगी एनगिडी, एंड्रयू टाय और मिशेल मैक्लेनेगन शामिल है। इस टीम के कैप्टन का ऐलान हो चुका है, वर्ल्ड 11 के कैप्टन होंगे फैफ ड्यूप्लेसिस। हालांकि एशिया 11 के कैप्टन का अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। अगर विराट कोहली खेलते हैं तो हो सकता है वो कैप्टन होंगे, वरना फिर कोई और कैप्टन हो सकता है। वर्ल्ड 11 की टीम में एलेक्स हेल्स और क्रिस गेल ओपनिंग करेंगे, ये देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि दोनों ही काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन है, काफ़ी एग्रेसिव बैट्समैन है और T20 के लिए परफेक्ट ओपनर्स कहे जा सकते हैं। सो दो मैच का T20I सीरीज़ है और मेरा प्रेडिक्शन यही है कि एशिया 11 इस सीरीज़ को जीत सकता है क्योंकि बांग्लादेश में हो रहा है ये सीरीज़ और चार स्पिनर्स है एशिया 11 के पास, चार क्वालिटी स्पिनर्स है, उसके अलावा बैटिंग भी काफ़ी अच्छा है। सो एशिया 11 इस सीरीज़ को जीत सकता है। हालांकि अगर सीरीज़ 1-1 पे इक्वल होगा तो भी मैं ज्यादा शॉर्ट नहीं होऊंगा क्योंकि दोनों ही टीम्स काफी इक्वली बैलेंस्ड भी नजर आ रही हैं। वहीं वर्ल्ड 11 की टीम में सिर्फ एक ही स्पिनर है, वो है आदिल राशिद, सो इसलिए शायद वर्ल्ड 11 टीम को स्पिनर्स से कमी खेल सकता है क्योंकि बांग्लादेश में हो रहा है ये मैच। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और आप लोग भी जरूर देखिएगा। और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं इस सीरीज के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न कर पाएं।